अगर आप ईपीएफ मेंबर्स हैं, आपका ईपीएफ में अकाउंट है और अभी तक आपका ईपीएफ में ई नॉमिनेशन नहीं हुआ है, यानी कि आपका जो पीएफ अकाउंट है उसमें आपने एक नॉमिनी को ऐड नहीं किया है या फिर आपका एम्प्लॉयर ने नहीं किया है आपका पीएफ अकाउंट में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लाइव नॉमिनेशन करके कि कैसे जो है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप अपना ईपीएफ में पीएफ अकाउंट में आप जो कि कैसे नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। अगर आपका ईपीएफ में अकाउंट है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको करना है कि अपने फ़ोन का जो गूगल क्रोम है उसको आप ओपन कर लेंगे। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में कर रहे हैं तो यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करके आपको यहाँ नीचे देखेंगे डेस्कटॉप साइट, आपको इसको टिक करके ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो सर्च ब्राउज़र है इसमें आपको सर्च करना है यूएन मेंबर पोर्टल। आप ये जो कि सर्च करेंगे यूएन मेंबर पोर्टल, आपको फर्स्ट में ही एक मेंबर होम करके लिंक मिल जाएगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। और जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे यूएन मेंबर पोर्टल का जो यहाँ पे लॉगिन का जो साइट्स है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो यूएन नंबर है और पासवर्ड हो गया आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद साइनिंग कर लेना है। और जैसे ही आप साइनिंग करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे अलर्ट करके आपको इनोमिनेशन का फैसिलिटीज़ का यहाँ पे एक आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा, तो आप यहाँ फाइल नाउ कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली यहाँ से लेटर कर देना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं होम हो गया, व्यू हो गया, फिर यहाँ पे मैनेज हो गया, तो मैनेज पे क्लिक करके आपको इनोमिनेशन में आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इनोमिनेशन में क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे स्लाइड करेंगे इस तरीके से, तो प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। और जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करें देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है, प्लीज़ सेव एड्रेस ऑफ द एन इन प्रोफाइल, यानी कि प्रोफाइल में एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल एरर आ सकता है एड्रेस और फोटोज़ को लेकर के। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू में क्लिक करके आप प्रोफाइल में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फ़ोटोज़, यहाँ से मेरा पहले से इसमें अपलोडेड है तो इसलिए फ़ोटो का एरर नहीं आ रहा था। और नहीं तो अगर आपका फ़ोटो सेव नहीं है तो यहाँ पे चेंज पे, अगर डिफ़ॉल्ट आपने फ़ोटो अगर आपका नहीं लगा हुआ है तो आप यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके अपना फ़ोटोज़ भी चेंज कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे स्लाइड करेंगे इस तरीके से, देखेंगे यहाँ पे सारा आपको डिटेल देखने को मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस हो गया, करेंट एड्रेस हो गया, आपको यहाँ पे पेंसिल वाला जो आइकन है यानी कि आपका जो भी एड्रेस इसमें आप एंटर करना चाहते हैं एड्रेस, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस हो गया या करेंट एड्रेस, तो दोनों ही एड्रेस आपको यहाँ पे भरना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे परमानेंट एड्रेस क्लिक करते हैं पेंसिल वाले आइकन पे, और क्लिक करने के बाद जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर करेंगे। आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे यहाँ पर आप जो कि यहाँ पे एड्रेस भरेंगे परमानेंट एड्रेस हो गया। और उसके बाद अगर आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप नीचे टिक कर सकते हैं करेंट एड्रेस इज सेम परमानेंट एड्रेस। अगर नहीं, अगर आपका करेंट एड्रेस कुछ और है तो सेम यहाँ पे जैसे आपका परमानेंट एड्रेस आप भरेंगे तो यहाँ पे नीचे में आप जो कि करेंट एड्रेस आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो एड्रेस है वो सेम है तो हम इसके ऊपर टिक कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे टिक किए यहाँ पे जो यानी कि करेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस पर, तो यहाँ पे जो सेम एड्रेस था वो मेरा करेंट में आ चुका है। और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे एड्रेस सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप सिंपली क्या करें, यहाँ पे मैनेज में क्लिक करके इनोमिनेशन में आएंगे तो आपको प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बोला प्रोफाइल डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आप एविंग फैमिली के ऊपर यहाँ पर आपको येस कर देना है। और उसके बाद जैसे ही आप येस करेंगे आपको नीचे में इस तरीके का कुछ फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं एड फैमिली डिटेल में आप जिसको नॉमिनी आप बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आप आधार नंबर उनका एंटर करेंगे, फिर उनका नाम एंटर करेंगे, डेट ऑफ आप एंटर करेंगे, फिर यहाँ से जेंडर आप उनका सिलेक्ट करेंगे, उसके रिलेशन क्या है वो आप यहाँ से एंटर करेंगे। और उसके बाद जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं उनका एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ से आप टिक कर देंगे सेम मेंबर पे। और उसके बाद यहाँ से फोटोस आपको अपलोड करना है, तो चलिए हम सारा यहाँ पे डिटेल यहाँ पे भर लेते हैं। यहाँ पे आधार डिटेल हो गया, उसके बाद जो भी था यहाँ पे भरने का मैंने भर दिया है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जिनको आप नॉमिनी बना रहे हैं उनका एड्रेस और आपका सेम है, यहाँ पे आप टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है कि एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे भी एड्रेस भर सकते हैं। उसके बाद क्लिक है टू अपलोड फोटोग्राफ में क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो कि गैलरी का जो भी फ़ोटोज़ रहेगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप इस तरीके से यहाँ पे डन करेंगे। और डन करने के बाद आप नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जो किस टाइप का जो फ़ोटो व्यू होगा
आप नीचे इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ ग्राफ ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको पूछा जाएगा क्या आप श्योर हैं ये फोटोज अपलोड करने के लिए, तो आप यहाँ से ओके करेंगे, और उसके बाद इमेजेस अपलोडेड सक्सेसफुली आएगा, उसका फिर से आपको ओके करना है, और उसके बाद आप नीचे यहाँ पे इसके ऊपर टिक करेंगे इस वाले यहाँ पे कॉलम में, और टिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव फैमिली डिटेल में आपको टिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे फैमिली डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरीके से सारा आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आप नीचे इस तरीके से स्लाइड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप ईपीएफ नॉमिनेशन में वो यहाँ पे आ चुका है डिटेल्स। उसके बाद टोटल अमाउंट शेयर यानी कि आप कितना परसेंट यहाँ पे शेयर देना चाहते हैं, इसके ऊपर आप टिक करेंगे, और टिक करने के बाद यहाँ पे जैसे एक ही यहाँ पे पर्सन को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो 100% कर देते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर टिक सेलेक्ट कर नीचे जो कॉलम है टिक कर दिया, और यहाँ से आपको सारा चीज़ आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेव ईपीएफ इनोमेशन में क्लिक करेंगे, फिर से आप देख सकते हैं ईपीएफ डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद इस तरीके से ये सारा यहाँ पे इनोमेशन हो चुका है, और मेन जो कंप्लीट यहाँ पे लास्ट का जो प्रोसेस है ई साइनिंग करना होगा यानी कि आधार कार्ड से केवाईसी करना होगा। तो यहाँ पे आप व्यू में क्लिक करके आप देख सकते हैं अपना जो भी डिटेल्स आपने ऐड किया, एडिट में आप फिर से एडिट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, और उसके बाद ई साइनिंग में आप यहाँ पे जब ई साइन का जो ये वाला आइकन यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यानी कि बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि ई साइन में आधार कार्ड से जो केवाईसी करना है अपना आधार कार्ड से केवाईसी करना है, या फिर हम जिनको नॉमिनी बना रहे हैं उनका आधार कार्ड से, तो नहीं, अगर जिनका भी ईपीएफ अकाउंट है उन्हीं का यहाँ पे जो कि आधार कार्ड से केवाईसी होता है, आप जिनको नॉमिनी बना रहे हैं उनका आधार कार्ड से आपको केवाईसी यहाँ पे नहीं करना है। तो आपका पीएफ अकाउंट है यानी जिनका पीएफ अकाउंट है ई साइन में जा करके उन्हीं का आधार डिटेल डालेंगे, और आप जो भी आधार पे मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा। तो चलिए हम यहाँ से पीडीएफ साइनिंग यहाँ प्रोसेसिंग में थोड़ा वेट कर लेते हैं। ई साइन में क्लिक करने के बाद इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे बॉक्स है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है, या फिर जो कि वर्चुअल आईडी जो है आपका आधार कार्ड का वो भी एंटर कर सकते हैं। तो सबसे यहाँ पे सिंपल रहेगा कि आपका जो आधार कार्ड है यानी कि जिनका भी पीएफ अकाउंट है यहाँ पे ये नंबर है उनका यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है, और आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे गेट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हम आधार नंबर जो है कि एंटर कर दिए, उसका गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं, और उसके कुछ ही सेकेंड आपको यहाँ पे वेट करना है प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट में, प्लीज वेट में। आपका जो आधार कार्ड है उस पर आधार ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर कोड इतना था टेक्निकल, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो यहाँ पे जो मेरा ओटीपी जो कि यहाँ पे सेंड नहीं हो पाया। तो अगर ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करने जैसे आप वहाँ पे सबमिट पर क्लिक करते हैं, और वहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपका जो कि ईपीएफ में नॉमिनेशन हो जाएगा। और मैं आपको एग्जांपल के लिए जिनका भी नॉमिनेशन हो जाएगा उनका अकाउंट किस टाइप से दिखता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका ओटीपी सबमिट जो कि सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे होम में आने के बाद आप इस तरीके से यहाँ देखेंगे, होम में आने के बाद जब यहाँ पे मैनेज में क्लिक करके ई नॉमिनेशन में आएंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस मिल जाएगा, और यहाँ देख सकते हैं एंटर न्यू नॉमिनेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, और फिर आप नीचे स्लाइड करेंगे यहाँ पे नॉमिनेशन हिस्टोरी में यहाँ स्टेटस में देख सकते हैं यहाँ पे नॉमिनेशन सक्सेसफुल यहाँ पे आपको इस तरीके देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फिर नॉमिनेशन डिटेल में आप क्लिक करके आप जो भी नॉमिनेशन आपका सक्सेसफुल हुआ है जो भी आप ऐड किए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं।